बैकग्राउंड चेंजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज कर देगा हर डिटेल के साथ। रन करने के लिए डबल क्लिक या रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तीन बटन दिए हुए हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। सबसे पहले हम व्हाइट बैकग्राउंड वाले फोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। चेंज व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बैकग्राउंड पैलेट के अंदर बैकग्राउंड लोड हो चुके हैं। अब यहाँ से स्क्रॉल करके किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा हेयर डिटेल के साथ। फोटो के अंदर जो व्हाइट एरिया है, व्हाइट एरिया पे बैकग्राउंड आ चुका होगा, वहां आपको ब्रश घुमा देना है। अब जैसे ही ब्रश घुमाएंगे व्हाइट एरिया से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि परफेक्ट हेयर डिटेल्स अवेलेबल है। अब अगर आप बैकग्राउंड को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपका बैकग्राउंड एडिट कर सकते हो। आप बैकग्राउंड को एडिट करके यहाँ से फाइल को क्लोज कर दीजिए और सेव के लिए यस दे दीजिए। ओरिजिनल फाइल में ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अब हम देखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड के लिए ब्लैक बैकग्राउंड के बटन को प्रेस कर दीजिए। बैकग्राउंड पैलेट में बैकग्राउंड लोड हो जाएंगे। प्रोसेस सेम है, किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा हेयर डिटेल्स के साथ। फोटो की इनर व्हाइट डिटेल पे बैकग्राउंड आ चुका था, इसी तरह ब्लैक के अंदर फोटो की इनर ब्लैक डिटेल पे बैकग्राउंड आ चुका है, वहां पे आपको ब्रश घुमा देना है। जैसे ही ब्रश घुमाओगे वहां से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सी द हेयर डिटेल्स, आप एक एक बाल अलग से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्रे बैकग्राउंड। ग्रे बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिए। ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बैकग्राउंड प्लेट में ग्रे बैकग्राउंड आ चुके हैं। प्रोसेस यहाँ भी सेम रहेगा, सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और जहां पे फोटो के अंदर ग्रे एरियाज है वहां पे बैकग्राउंड आ जाएगा, वहां पे आपको ब्रश घुमा देना है। जैसे ही ब्रश घुमाओगे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, अगर आप बैकग्राउंड पैलेट के अंदर आप अपने खुद के बैकग्राउंड अगर डालना चाहते हैं तो जहां पे आपने बैकग्राउंड चेंजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो फोल्डर को ओपन कर दीजिए। वहां पे आपको तीन फोल्डर मिलेंगे, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। व्हाइट बैकग्राउंड सपोर्टेड लाइट कलर के सारे बैकग्राउंड्स जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ग्रे बैकग्राउंड्स ग्रे के फोल्डर में डाल दीजिए। ब्लैक बैकग्राउंड के लिए ब्लैक के फोल्डर के अंदर डार्क बैकग्राउंड्स आप डाल सकते हैं। आपके लोड किए हुए बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर लोड हो जाएंगे। इफेक्ट फैक्ट्री, यह सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फोटोशॉप के साथ मिलकर आपको रेडीमेड करीब 630 से भी ज्यादा इफेक्ट देता है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही डेस्कटॉप के ऊपर ये मजेंटा कलर का आइकॉन आ जाएगा, जिसको अगर आपकी सिस्टम एक्सपी प्लेटफॉर्म पे चलती है तो डबल क्लिक करके आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज 7 प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो इसी सॉफ्टवेयर के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपकी सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ फोटोशॉप, अगर वो CS2 है, CS3 है या CS2 के बाद का कोई भी वर्जन है तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे, कोई भी एक फोटो हमने ओपन किया है तो ये हमारा इफेक्ट फैक्ट्री का मैनिफेस्ट है। इफेक्ट फैक्ट्री के मैनिफेस्ट में हमने काफी सारी इफेक्ट कैटेगरी दी हुई है, जिसमें इमेज कलर टोन 1, कलर टोन 2, पोर्ट्रेट कलर टोन 1-2, कूल कलर कास्ट, फ्लैट कलर, सेफिया टोन, ब्लैक एक्स, ब्लैक एंड व्हाइट, रिमूव कलर कास्ट, बैकग्राउंड ऑफ, ग्लो, बर्न इफेक्ट, डीप इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट, डॉट्स इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट, इफेक्ट विथ फ्रेम, मॉडर्न 3D आर्ट, पेंटिंग एंड ओल्ड फोटो, व्हाइट लाइटिंग, मल्टी कलर लाइटिंग, ग्रीन लाइटिंग, वायोलेट लाइटिंग, ब्लू लाइटिंग, रेड लाइटिंग और येलो लाइटिंग। इसके साथ साथ हमने अपडेट इफेक्ट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर हम फ्यूचर में जो भी इफेक्ट देंगे तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने एक इफेक्ट सिलेक्ट करके सीधा डबल क्लिक किया तो हमारे फोटो के ऊपर 1 मिनट के अंदर पूरा इफेक्ट अप्लाई हो गया। 1 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर हमने फेवरेट कैटेगरी भी दी हुई है, जिसके अंदर आप अपनी
मन भावती इफेक्ट, अपनी आपको जो इफेक्ट अच्छी लगती है उसको राइट क्लिक करके आप फेवरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी हम कोई दूसरा फोटो ओपन करते हैं। अब जैसे हम जेपीजी के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं, उसी हिसाब से हम पीएसडी फोटो पे भी इफेक्ट लगा सकते हैं। हमने ये पीएसडी फोटो ओपन किया है। पीएसडी में अगर आपको किसी भी फोटो पे इफेक्ट लगाना है तो आपको वो लेयर सिलेक्ट करना है। लेयर सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट फैक्ट्री ओपन करके आप किसी भी इफेक्ट को डबल क्लिक करेंगे तो आपके उस लेयर के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इफेक्ट अप्लाई होने के बाद आप उसी फोटो के ऊपर अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या फोटो के कुछ हिस्से में से आप इफेक्ट को हटाना चाहते हैं, या कुछ हिस्सा आप ओरिजिनल रखना चाहते हैं, तो आपको लेयर विंडो में जाके वो इफेक्ट का मास्क सिलेक्ट करना है और जस्ट ब्रश टूल सिलेक्ट करके उस एरिया में ब्रश को घुमा देना है। तो उसकी वजह से आपको वो एरिया ओरिजिनल दिखेगा और बाकी के एरिया में आपको इफेक्ट लगी हुई दिखेगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टोन भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम एक फोटो के ऊपर या एक लेयर के ऊपर हम एक से ज्यादा इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमें 2-3 इफेक्ट, 4 इफेक्ट, 5 इफेक्ट, 10 इफेक्ट लगा के अलग अलग टोन भी डेवलप कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर विंडो में जो इफेक्ट फैक्ट्री का विंडो हमारा दिया हुआ है उसके अंदर जो भी कैटेगरी, जो भी थंबनेल हमको दिख रहे हैं, तो हम जैसे ही उस थंबनेल को डबल क्लिक करेंगे वैसा ही सेम इफेक्ट हमारे फोटो के ऊपर लग जाता है। यहाँ पे हमने जो लेयर एक सिलेक्ट किया है उसके ऊपर हम ये इफेक्ट लगा रहे हैं। अब ये जो हमने इफेक्ट लगाया, ये इफेक्ट लगने के बाद उसी फोटो के ऊपर हम फिर से दूसरा कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 1, 2, 5, 10 या जितने भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं, और लेयर विंडो में हम इनेबल डिसेबल करके अपना ओरिजिनल फोटो और इफेक्ट के बाद का फोटो भी हम चेक कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम पेंटिंग में जाके हम कोई भी एक पेंटिंग टोन का इफेक्ट लगाते हैं। जैसे ही हमने इफेक्ट के ऊपर डबल क्लिक किया वो इफेक्ट हमारे फोटो के ऊपर अप्लाई हो गई। इफेक्ट अप्लाई होने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि इफेक्ट का टोन या इफेक्ट की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है तो हम ओपेसिटी में जाके लेयर विंडो के ऊपर हमें राइट साइड में जो भी ओपेसिटी दी हुई है जो कि अभी 100% है, तो हम उस इफेक्ट का मास्क सिलेक्ट करके हम ओपेसिटी कम ज्यादा करके इफेक्ट की लीजेंसी, इफेक्ट की जो गुणवत्ता है हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसकी जो क्वांटिटी जो है, हम जो हमने अप्लाई किया है वो ओपेसिटी 100 में से 50 करके, 20 करके, 25 करके या 0 करके, हमें जो भी सेट करना है हम सेट करके इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से इफेक्ट फैक्ट्री के द्वारा हम स्टूडियो का या मैरिज एल्बम का अगर कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क करना है, हमें कस्टमर को कुछ डिफरेंट देना है, तो हम इफेक्ट फैक्ट्री की मदद से चंद मिनटों में ही हमारा काम आसानी से फिनिश कर सकते हैं। इमेजर एक कंप्लीट फोटो फिनिशिंग का सॉफ्टवेयर जो स्किन को आइडेंटिफाई करेगा, स्किन को आइडेंटिफाई करके स्किन को स्मूथ कर देगा, क्लोथ को आइडेंटिफाई करेगा, क्लोथ को आइडेंटिफाई करके क्लोथ को शार्पन दे देगा, हेयर को आइडेंटिफाई करेगा, हेयर को आइडेंटिफाई करके हेयर को डीप कर देगा। इन शॉर्ट इट्स नॉट ओनली स्किन टचिंग, ये कंप्लीट फोटो फिनिशिंग का सॉफ्टवेयर है। अब हम देखेंगे कैसे काम करता है। सबसे पहले फोटो को फोटोशॉप CS2 और एनी हायर वर्जन ओपन कर दीजिए। यहाँ पे ऑटो स्किन टचिंग का बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। हम जैसे ही ऑटो स्किन टचिंग के बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक स्किन टचिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। सी द रिजल्ट। अब हम इसको जूम करेंगे। अगर आप स्किन डिटेल्स कम या ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं स्किन डिटेल्स के लिए।
अगर आप क्लॉथ की शार्पन कम या ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लॉथ की शार्पन कम ज्यादा कर सकते हो। और अगर स्किन के ऊपर के जो शेडोज है, शेडोज और रिंकल्स अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स दिया हुआ है। यहाँ से आप सेट करके ऑटोमेटिकली स्किन टचिंग अपने नीड के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए अब हम स्किन के शेडोज को रिमूव करेंगे, सेटिंग चेंज कर दीजिए, पैरामीटर्स चेंज कर दीजिए और वापस ऑटो स्किन के बटन को प्रेस कर दीजिए। सी द रिजल्ट। अब हम दोनों स्किन टचिंग के बीच का डिफरेंट देखेंगे। अब हम ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे। अब तो यहां से आप शेडोज और रिंकल सेट कर सकते हो, यहां से आप क्लॉथ की शार्पन सेट कर सकते हो, यहां से आप स्किन की लाइट डिटेल कम ज्यादा कर सकते हो, यहां से आप स्किन की ब्लैक डिटेल्स, डार्क डिटेल्स कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसी तरह से आप अपने डिमांड के हिसाब से, आप अपने नीड के हिसाब से पैरामीटर सेट करके फोटो फिनिशिंग कर सकते हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बैच फंक्शंस दिया हुआ है। आप पूरे फोल्डर का ऑटोमेटिक स्किन टचिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी चॉइस के हिसाब से पैरामीटर सेट कर लीजिए, फिर सोर्स फोल्डर के बटन को क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको सोर्स फोल्डर दे देना है जहाँ से आपके फोटोग्राफ्स को उठाना है, वो फोटोग्राफ्स के फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। इसके बाद स्किन टचिंग किए हुए फोटोग्राफ्स आप जहाँ पे डालना चाहते हो वो टारगेट फोटो फोल्डर के अंदर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रोसेस फाइल के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप जैसे ही प्रोसेस फाइल के बटन को प्रेस कर दोगे, ऑटोमेटिक वन बाय वन फोटोग्राफ्स ओपन होते जाएंगे और वन बाय वन फोटोग्राफ्स सेव होते जाएंगे। इसी तरह आप पूरे फोल्डर्स के फोटोग्राफ्स का स्किन टचिंग हो जाएगा। डबल क्लिक या रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव करते ही ज्वेलरी हाईलाइट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ज्वेलरी हाईलाइट एक ऐसा अल्टीमेट फंक्शन है जो किसी भी एल्बम को बेटर लुक दे सकता है। ओके, अगर आप ज्वेलरी हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने एल्बम को बेटर लुक देना चाहते हैं, अगर आप अपने पोर्ट्रेट्स को अगर बेटर लुक देना चाहते हैं, तो इनसाइट लॉजिक सॉफ्टवेयर की ओर से आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक ज्वेलरी हाईलाइट, जिसमें आपको सिर्फ क्लिक करना है विदाउट एनी सिलेक्शन। आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है, आपको कोई ब्रश नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करेगा ज्वेलरी कहाँ पे, ज्वेलरी को कलर में रखेगा और बाकी की इमेज को ग्रेस्केल कर देगा। सी द रिजल्ट, परफेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक ज्वेलरी हाईलाइट में मिल रहा है। अगर फिर भी कहीं पे अनवांटेड कलर्स है तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ब्लैक मास्क को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रश टूल ले लीजिए, यहाँ से ब्रश टूल ले लीजिए, ब्रश की साइज सेट कर दीजिए और जहां भी अनवांटेड कलर्स है वहां पे घुमाइए। अगर कलर रिमूव नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दीजिए या एक्सप्रेस कर दीजिए और अनवांटेड कलर्स के ऊपर ब्रश घुमाइए। आप जैसे ही ब्रश घुमाओगे अनवांटेड कलर्स रिमूव हो जाएंगे। अगर भूल से ज्वेलरी के कलर रिमूव हो चुके हैं तो वापस एक्सप्रेस कर दीजिए और वापस घुमाइए तो ज्वेलरी के कलर वापस आ जाए। ज्वेलरी हाईलाइट के अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ज्वेलरी हाईलाइट विद सेफिया टोन, ज्वेलरी हाईलाइट विद मजेंटा टोन, ओनली ज्वेलरी हाईलाइट। इसके साथ ही अगर आप सिर्फ ड्रेस के कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रेस कलर चेंजिंग के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें रेड टू मजेंटा, मजेंटा टू डीप येलो, रेड टू एक्वा ब्लू, रेड टू ग्रीन, रेड टू येलो, रेड टू ब्लू। सो इट्स अ परफेक्ट एंड इजी सॉल्यूशन फॉर हाईलाइट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकॉन बन जाएगा। आइकॉन को डबल क्लिक करते ही अपना सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा, CS2 और एनी हायर वर्जन में सॉफ्टवेयर चलेगा। अब हम देखेंगे ऑटोमेटिक करेक्शन कैसे होता है। एक्सपोजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कलर करेक्शन, लाइटिंग करेक्शन, ओवर डिटेल्स एंड अंडर डिटेल्स सारी चीजों को बैलेंस करेगा। सबसे पहले देखेंगे हम ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, आपको सिर्फ बटन प्रेस कर देना है। आप जैसे ही बटन प्रेस करोगे ऑटोमेटिक कंप्लीट करेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप ऑटोमेटिक करेक्शन के अंदर आप कस्टमाइज पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, अगर आप कलर करेक्शन ओवर कलर को ज्यादा या कम
बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह ब्लैक लेवल, डार्क एरिया का अगर लेवल ज्यादा या कम करना चाहते हैं तो यहां से पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अगर व्हाइट लेवल का अगर आप पैरामीटर ज्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। इसी तरह अंडर डिटेल्स को आप एक्सपोज करना चाहते हैं, अंडर डिटेल्स को खोलना चाहते हैं तो यहां से अंडर डिटेल्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ओवर डिटेल्स को अगर रिकवर करना चाहते हैं तो यहां से आप ओवर डिटेल्स को रिकवर कर सकते हैं। कलर की डेंसिटी कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहां से आप कलर की डेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओवर कलर या व्हाइट बैलेंस, ये हर करेक्शन करने वाले के लिए एक हेडेक होता है, क्योंकि इसमें हमको हर बार जस्टिफाई करना पड़ता है रेड ओवर है, येलो कम है, या मजेंटा प्लस करे या मजेंटा माइनस करे। एक्सपोजर के अंदर आपको ऑटोमेटिक कलर बैलेंस मिल रहा है जो ऑटोमेटिकली खुद अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कि ओवर कलर कौन सा है या अंडर कलर कौन से है, और उसके हिसाब से उसको प्रॉपरली बैलेंस कर देगा। बस आपको सिर्फ उसके पैरामीटर सेट करने हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो है 30। यहां से हम अप्लाई करके टेस्ट करेंगे, व्हाइट बैलेंस हो चुका है, ओवर कलर रिमूव हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा कम व्हाइट बैलेंस चाहिए तो आप यहां से उसके वैल्यू कम कर दीजिए 20। इसका हम लोग एक स्नैपशॉट बना लेते हैं, ओरिजिनल पे आ गए। यहां से हम लोग 20 के पैरामीटर के ऊपर हम लोग व्हाइट बैलेंस करेंगे। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे 30 20। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से व्हाइट बैलेंस के पैरामीटर सेट कर सकते हो। आपने यहाँ पे जो पैरामीटर सेट किए हैं वही पैरामीटर के हिसाब से ऑटो करेक्शन भी होगा। अब हम देखेंगे ब्लैक लेवल। बाय डिफॉल्ट 30 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर आप ब्लैक लेवल ज्यादा करना चाहते हो, फोटो को थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप ब्लैक लेवल के पैरामीटर्स बढ़ा दीजिए, ब्लैक लेवल की वैल्यूज बढ़ा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है व्हाइट लेवल। अगर आप फोटो को ब्राइट चाहते हो तो यहाँ से व्हाइट लेवल के पैरामीटर्स बढ़ा दीजिए। अगर आप लाइटिंग कम चाहते हो तो व्हाइट लेवल के पैरामीटर को कम कर दीजिए, उसकी वैल्यूज को कम कर। अंडर डिटेल्स, अक्सर ऐसा होता है कि फ्रंट पे लाइटिंग रहती है, बैक में लाइटिंग प्रॉपर होती नहीं है, तो हम पूरे फोटो के ऊपर लाइटिंग नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जहां पे लाइटिंग नहीं है सिर्फ उसी पोर्शन को हमको एक्सपोज करना है, उसी पोर्शन में हमको लाइटिंग देनी है, तो उसके लिए अंडर डिटेल्स, अंडर डिटेल्स के पैरामीटर हमने बढ़ा दिए हैं और हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे ही हमने अप्लाई किया आप यहां से देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने उसी एरिया के अंदर लाइटिंग बढ़ाई जहां पे अंडर। इसी तरह ओवर डिटेल्स मतलब हाईलाइट, जहां पे लाइटिंग बढ़ चुकी है, जहां पे ओवर लाइट है, उसको बैलेंस करने के लिए या ओवर डिटेल्स को रिकवर करने के लिए यहाँ पे ओवर डिटेल्स का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़े इसके पैरामीटर्स चेंज करते हैं, इसके वैल्यू चेंज करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए जहां पे ओवर लाइट थी वहां से वो ओवर लाइट को सॉफ्टवेयर ने बैलेंस कर दिया है। इसी तरह यहां से आप फोटोग्राफ्स के कलर्स को पिक कर सकते हो, फोटोग्राफ्स के कलर को कम या ज्यादा कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आपके सेट किए हुए पैरामीटर के हिसाब से ही ऑटो करेक्शन ऑटोमेटिकली काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।